तो दोस्तों आज हम आपको दिखाने लेके जा रहे हैं फर्स्ट ऑर्गेनिक कॉलेज। ये स्कर्दो सिटी से तकरीबन 35 से 40 मिनट की मसाफत की दूरी पर है, लेकिन इस गांव में कोई गाड़ी नहीं जा सकती, न ही कोई मोटर बाइक जा सकती है। स्कर्दो सिटी से आपको पैदल ही जाना होगा। जब आप स्कर्दो सिटी से खरफोचो की तरफ जाते हैं तो खरफोचो के सामने ही नीचे एक रास्ता हमें देखने को मिलते हैं। इस रास्ते के ज़रिए आप इस गांव तक जा सकते हैं। रास्ते कुछ इस तरह से बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे रास्ते हैं। सामने दरियाए सिंध यहां से बह रहा है, तो बहुत ही खूबसूरत वैली है। साथ साथ आपको स्कर्दो सिटी का खूबसूरत व्यू आपको यहाँ से देखने को मिलता है। तो दोस्तों स्कर्दो सिटी से मुसलसल आधा घंटा पैदल चलने के बाद हम पहुंचे हैं जी फर्स्ट ऑर्गेनिक विलेज में। दुनिया से अलग थलग ये छोटा सा विलेज है जी, दरियाए सिंध के किनारे ये जो छोटा सा विलेज है इसका नाम है फर्स्ट ऑर्गेनिक विलेज। मकामी जबान में इस गांव को कहते हैं जी नाम से। ये देखें यहाँ पर बोर्ड भी लिखा हुआ है। ये दुनिया से अलग थलग इसलिए है दोस्तों क्योंकि ना इस गाँव में साइकिल तक भी यहाँ पर रसाई हासिल नहीं है। कोई अगर साइकिल पर भी यहाँ आना चाहे तो नहीं आ सकते। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये पाकिस्तान का वाहिद ऐसा गांव है दोस्तों जहाँ से जहाँ कोई रोड नहीं बना हुआ। यहाँ के लोग पैदल चलकर स्कर्दो सिटी की तरफ जाते हैं, वहाँ से ज़रूरी चीज़ें वहाँ से ख़रीद कर लाते हैं, और स्कूल के जो बच्चे हैं वो भी पैदल चलकर ही जाते हैं। कोई सड़क मौजूद इस गाँव के लिए नहीं है। अगर आप में से कोई इस गाँव को देखना चाहते हैं तो आपको स्कर्दो सिटी से तकरीबन आधा घंटा पैदल चलना पड़ेगा। तो ये देखें जी अभी हम आपको दिखाने लगे हैं फर्स्ट ऑर्गेनिक विलेज। अभी हम इस विलेज में दाखिल हो चुके हैं। ये छोटा सा गांव है दोस्तों, यहाँ पे छोटा सा ट्रैक बनाया हुआ है पैदल चलने वालों के लिए। यहाँ पे कुछ दरख्त लगे हुए हैं। तो दोस्तों अभी हम ऑर्गेनिक विलेज की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग भी हमें नज़र आ रहे थे जो कि गालिबन मेरे ख्याल में ये दरख्तों की देखभाल करने के लिए आए थे। एक बात हमने यहाँ पे नोट की दोस्तों, यहाँ पे जितने भी जो दरख्त लगे हुए ना ये बिल्कुल सूख चुका है। शायद यहाँ पे पानी की भी शदीद किल्लत है और ये कुल भी बिल्कुल सूखा हुआ है। और ये देखें यहाँ पे जितने भी दरख्त हैं इनको पानी नहीं मिल रहा गालिबन। ये देखें यहाँ शहतूत के दरख्त भी मौजूद हैं। आजकल बल्तिस्तान में शहतूत का सीज़न चल रहा है। शहतूत की भी कई अकसाम पाए जाते हैं बल्तिस्तान में। हाँ?
अच्छा बात हुई ना। तो ये देखें दोस्तों, यहाँ पे एक बात हमें ये पता चला है, यहाँ पे होटल भी बनाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बेटा? खैरियत से? ठीक ठाक है। यहाँ पे होटल है या होटल है आपका है? जी माशाल्लाह जी, गेस्ट हाउस भी है जी यहाँ पे। तो यहाँ पे आलू की फसल लगाई हुई है और उसके अलावा कुछ सब्जियाँ हैं। यहाँ के उधर ज़मीनें हैं और वो जो आप देख रहे हैं ये जौ की फसल यहाँ पे लगाई हुई है। तो दोस्तों, हमारी मालूमात के मुताबिक ये छोटा सा गांव है, इसमें चंद घराने ही यहाँ पे आबाद हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लकड़ी से दीवार बनाई गई है और इस दीवार के उस तरफ जो है यहाँ के घर वगैरह हैं। तो और यहाँ के जो फसलें हैं ये भी दीवार के उस तरफ ही हैं। तो यकीनन आपके जहन में भी आ रहा होगा कि यहाँ विलेज के लोग क्यों नज़र नहीं आ रहे। तो इसकी वजह ये है दोस्तों कि यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो अपनी जॉब के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में, वो सुबह सवेरे स्कर्दों की तरफ चले जाते हैं और शाम को वापस आ जाते हैं। तो जितने भी यहाँ के जो लोग हैं वो स्कर्दो सिटी अपने काम काज जो पढ़ाई के सिलसिले में चले जाते हैं, इसलिए यहाँ पे लोग फ़िलहाल दिन के टाइम पे बहुत कम नज़र आते हैं। बाकी बहुत ही पुरसकून माहौल है यहाँ का, बिल्कुल शोर शराबे से पाक। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इस गांव में कोई रोड नहीं बना हुआ, इसलिए यहाँ पे मशीन का कोई सिस्टम नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो लोग हैं वो थ्रेशर लगाने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। ये देखें, और ये सिस्टम यहाँ पे, ये देखें, बिल्कुल बीचों बीच एक डंडा लगाया हुआ है। इधर यहाँ के जो गंदम है वो यहाँ पे लाते हैं, उसके साथ बेंस बेल की मदद से इसको थ्रेशर लगाते हैं। दादी तो मैं जो बना रहा हूं।